तो देखिए, कल हमने ना पढ़ा था सेमी कंडक्टर, तीन टाइप्स पढ़ी थी हमने, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो मैंने आपसे कहा था कि हम सेमी कंडक्टर्स को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे आज सेमी कंडक्टर्स के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। तो इसकी ना हम दो टाइप्स बनाते हैं सेमी कंडक्टर्स की। इसकी जो टाइप है वो बनती है, पहली जो टाइप है इसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये है प्योर फॉर्म, यानी हम ग्रुप फोर का कोई एलिमेंट लें, जर्मेनियम या सिलिकॉन, और इसमें कोई चीज़ मिक्स ना करें, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे प्योर सेमीकंडक्टर, और इसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। मतलब कोई मिक्सिंग ना हो, प्योर सेम ग्रुप फोर का कोई जो एलिमेंट है उसमें कोई और एलिमेंट मिक्स ना करे। तो इसकी एग्जांपल्स हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, और ये फोर्थ ग्रुप पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में, अगर आपकी केमिस्ट्री है, किसी की नहीं होगी तो इसको याद रखें कि फोर्थ ग्रुप में है। फोर्थ ग्रुप का मतलब ये है कि इसके आखिरी ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मतलब टोटल जितने भी हों लेकिन आखिरी ग्रुप, आखिरी ऑर्बिट वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं। मतलब ये साइड पे देखिए सिलिकॉन आपको नजर आ रहा है, तो इस सिलिकॉन के जो अपने चार इलेक्ट्रॉन हैं वो ये हैं, ठीक है। और इसने अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ये जो इजाफी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये साथ वाले सिलिकॉन्स के हैं, तो इस तरह ये अपने आठ इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है और स्टेबल रहता है। तो ये शॉर्ट में जब आता है ना इंट्रिंसिक, तो आपने वो जो डेफिनेशन पीछे हमने पढ़ी है ये लिखना है, सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म। फिर आगे इसकी एग्जांपल बतानी है, फिर लिखना है कि ये ग्रुप फोर में होते हैं, फिर लिखना है कि ये चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आखिरी ऑर्बिट में, और फिर ये वाला पैराग्राफ लिखना है कि जो सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करते हैं अपने साथ वाले एटम्स के साथ और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सो इससे जो एटम है वो स्टेबल होता है और ये आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर, ठीक है। दूसरी जो टाइप है ना सेमीकंडक्टर्स की, वो है मिक्सिंग करके, हम इसमें कोई चीज मिक्स करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो जो हम मिक्सिंग करते हैं उससे जो सेमीकंडक्टर बनता है ना, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी डेफिनेशन है इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें कुछ ना इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। इम्प्योरिटी का मतलब है नॉन सेमीकंडक्टर एलिमेंट, मतलब जो सेमीकंडक्टर ना हो, जर्मेनियम सिलिकॉन के अलावा कोई और हो। हम ज्यादातर कहाँ से ऐड करते हैं, हम या तो ग्रुप थ्री का कोई एलिमेंट ऐड करते हैं या ग्रुप फाइव का ऐड करते हैं। जो ऐड करने का प्रोसेस है ना, इसको डोपिंग कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल इम्प्योरिटी एटम इन प्योर सेमीकंडक्टर बाय कंट्रोल्ड वे इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग का लफ्जी मतलब होता है मिलावट, ठीक है। तो डोपिंग, जैसे दूध वाला दूध में पानी मिलाता है तो वो भी डोपिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी को ज़्यादा करने के लिए या कम करने के लिए हमें ग्रुप थ्री या ग्रुप फाइव के एलिमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, और जिसको आप मिला रहे होते हैं ना, ठीक है, उसको हम डोपेंट कहते हैं। डोपेंट वो मटेरियल होता है जिसको आप ऐड कर रहे होते हैं। आमतौर पर जो इसकी रेशो रखी जाती है ना मिक्स करने के लिए, वो होती है 1:10^6। अच्छा, एक्सट्रिंसिक की ना दो टाइप्स हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होती है पी टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि हम जो मिक्सिंग करते हैं ना, ये ग्रुप थ्री से करते हैं या ग्रुप फाइव से करते हैं। तो पहले स्टेप में हम ग्रुप फाइव से एलिमेंट ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो जब आप ग्रुप फाइव से करेंगे ना, एन एटम बिलोंगिंग टू ग्रुप फाइव, ठीक है,
पेंटा वैलेंट इसको कहते हैं। पेंटा मतलब कि इसके आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है एंटीमनी, एलो, आर्सेनिक, फास्फोरस, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इसको ऐड करते हैं ना प्योर सेमीकंडक्टर में, तो इससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। दी सेमीकंडक्टर विच इज फॉर्म्ड बाई एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, इस के लिए हम ये फिगर देखें। हमने ना सेंटर में रखा हुआ है, ये फिगर इसकी नहीं है, इसकी फिगर कहाँ गई? अच्छा, ये है इसकी फिगर, ये देखें। हमने ना इसके सेंटर में, हम बाकी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी क्लियर समझ आ जाए। यहाँ देखें, ये है फास्फोरस का एटम। फास्फोरस के आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं ना हाईलाइट कर रहा हूँ जो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के हैं। इसको जब सिलिकॉन के साथ मिक्स किया जाता है, तो सिलिकॉन के एटम्स इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो सिलिकॉन का एक एटम यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। इस तरह सिलिकॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा इसके गिर्द। लेकिन इसको 3 चाहिए थे, तो ये जो फास्फोरस है ना, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा रह जाता है जो किसी कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि इसके 5 थे, इसको 3 चाहिए थे, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड 4 बन जाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, जब ये एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी कोवेलेंट बॉन्ड में जुड़ा हुआ नहीं होता, ये फ्री होता है करंट गुजरने के लिए, अपना रोल प्ले करता है, ये कंडक्शन बैंड में होता है। तो आप जितने फास्फोरस एटम जमा करते जाएंगे इसमें, हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर फॉर्म थी, जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं थी, अगर आप उसको देखें, ये जो पहले हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा है, इसको जरा दोबारा चेक करें। इसमें अंदर वाला जो सेंटर पे सिलिकॉन का एटम है ना, ये वाला, इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ वाला, ठीक है, एक ये हो गया, ये और ये। इसने बाहर जो सिलिकॉन के एटम्स है, उन्होंने 4 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए यहाँ पे। तो आप देखें, इसमें कोई इजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखें, यहाँ इजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी जितने आप फास्फोरस एटम जमा करते जाएंगे, इसमें हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन हमें फ्री मिलता जाएगा। तो इसको हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो इस टाइप के मटेरियल में हम, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दूं, आइडिया आपको हो जाएगा यहाँ से। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो हर एटम से हमें एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ऊपर वाली फिगर की स्ट्रक्चर बनाऊं जो प्योर सेमीकंडक्टर थी, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो ना तो यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एटम्स में जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स में। अच्छा, अब दोनों की जो हमने फिगर बनाई है ना, ये 0 केल्विन पर है। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर तक गर्म करें, यानी 27 डिग्री या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इसमें एटॉमिक वाइब्रेशंस आ जाएंगी और इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे। तो रूम टेम्परेचर पर ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, ऊपर वाली फिगर देखें, इसमें कुछ बॉन्ड्स टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और ये हो गया फ्री। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यही करंट गुजरने के लिए हेल्प करेगा। जो पहले 0 केल्विन पर आपको इमेज थी, जिसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड ठीक थे, कोई भी टूटा हुआ नहीं था, उस वक्त कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, उस वक्त ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, सेमीकंडक्टर में से करंट पास नहीं होता 0 केल्विन पे।
लेकिन रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाएंगे, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स जहां से ये निकलेंगे ना, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड में खाली जगह रह जाएगी, यहाँ पे इस जगह को हम कहते हैं होल। ठीक है, होल कब बनता है? जब किसी कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और वो कोवेलेंट बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाए, उस जगह को हम होल कहेंगे, यानी वैकेंसी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, खाली जगह है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकता है। होल में, होल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकता है, पे कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब अच्छा, अगर मैं, अब ये जो मैंने फिगर आपको नजर आ रही है ना, ये रूम टेम्परेचर की है, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक होल है। तो मैं यहाँ पे, अब देखिए साइड पे बॉक्स में क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एक होल भी क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, और अब नीचे वाली फिगर पे आए, नीचे वाली फिगर में और ऊपर वाली में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स तो बनाए हैं, लेकिन इनके साथ होल नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हुआ है, ये वाला, ये कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं निकला, इसने होल नहीं क्रिएट किया। ठीक है, और दूसरा, ये जो फिगर है ये 0 केल्विन पर है, अगर हम इसको रूम टेम्परेचर तक गर्म कर दें तो इसके बॉन्ड्स भी टूट जाएंगे, इसके बॉन्ड टूटने से भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। मसलन ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, जैसे ऊपर वाली फिगर में फ्री हुआ है, यहां भी फ्री होगा, यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, यहाँ भी बिल्कुल वैसी वैकेंसी या होल क्रिएट होगा जैसे ऊपर वाली फिगर में है। ठीक है, लेकिन ये होगा टेम्परेचर की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो अब नीचे वाले फ्री इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? नीचे वाला होल से नहीं निकला, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का इजाफी इलेक्ट्रॉन था। अब जब हम इसको रूम टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, उससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो जो गर्म करने से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं ना, बाद में इन इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक होल भी क्रिएट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे साथ एक एक होल बना रहा हूँ। अच्छा, अब ऊपर वाली और नीचे वाली फिगर में ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें और नीचे वाले में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? इसमें डिफरेंस ये है कि ऊपर वाली फिगर में जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ठीक है, उतने ही होल्स भी हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल इन प्योर सेमीकंडक्टर, लेकिन इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं होल्स की निस्बत। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड टूटकर फ्री हुए हैं और कुछ फास्फोरस के पांचवा जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हुआ है। तो इस टाइप के मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स इजाफी होंगे, एक्स्ट्रा होंगे होल्स की निस्बत। तो इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हैं, अक्सरियत में इलेक्ट्रॉन है और इन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए इस टाइप के मटेरियल को हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब ये नहीं है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, एन टाइप का मतलब ये है कि इसमें जो करंट गुजरने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं चार्ज कैरियर्स, वो ज्यादातर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स जो हैं वो कम हैं। ठीक है, होल्स जो हैं, होल क्या होता है वो आपने फिगर में देख लिया है, होल जस्ट एक वैकेंसी है ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये खाली जगह है, लेकिन ये भी करंट गुजरने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे हेल्प करती है ये चीज, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, जो होल्स है ना, ये माइनॉरिटी माइनॉरिटी अक्लियत को कहते हैं, कि इनकी तादाद कम है। एन टाइप में मेजॉरिटी में होते हैं, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में होते हैं होल्स। ठीक है, अच्छा अब हम इसको यहाँ भी देख लेते हैं, इन्होंने यहाँ क्या चीजें लिखी हैं। व्हेन इट इज एडेड टू जर्मेनियम और सिलिकॉन
हैविंग फोर इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर, ये फास्फोरस की बात कर रहा है, मोस्ट ऑर्बिट इन इन देयर आउटर और मोस्ट ऑर्बिट देन फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावेलेंट एटम या एलिमेंट लाइक फास्फोरस फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, विद फोर नेबरिंग एटम्स, वाइल द फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल, पांचवा फ्री हो जाता है। सिंस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोनेट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। ये जो फास्फोरस है ना, इसको डोनर कहेंगे, क्योंकि हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन हमें फ्रीली दे रहा है। और ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है, क्योंकि ये फ्री होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन बैंड में शामिल करते हैं। इसके बाद है पेंटावेलेंट, सॉरी पी टाइप। पी टाइप में क्या होगा, इसमें हम ग्रुप थ्री का एलिमेंट ऐड करेंगे, ट्राईवेलेंट, जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने एलुमिनियम की एग्जाम्पल ही साइड पे फिगर देखें, एलुमिनियम इसके ना आखिरी ऑर्बिट में है तीन इलेक्ट्रॉन, एक दो और तीन, चौथा नहीं है। इसको सिलिकॉन में ऐड किया, तो इस सिलिकॉन के चार एटम्स ने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, एक यहाँ बन गया, ठीक है, ये एक ये बन गया और एक ये बन गया। चौथा जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, लेकिन एल्यूमिनियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, यानी इसमें होल क्रिएट हो जाएगा। पिछले में एक इलेक्ट्रॉन इजाफी था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया है। तो ये जो, अगर मैं इसकी फिगर उसी तरह बॉक्स टाइप की बनाऊं, तो ये बनेगी इस तरह कि इस टाइप मटेरियल में जितने एल्यूमिनियम के एटम आप ऐड करेंगे, हर एल्यूमिनियम से हमें एक एक होल मिलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऐड कर दिए काफी सारे एल्यूमिनियम एटम्स और उससे काफी सारे होल्स बन गए। होल्स भी करंट गुजरने के लिए हेल्प करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो फिगर है ना, ये है 0 केल्विन पर, ठीक है। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जैसे पिछले में हुआ है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये यहाँ पर होल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो अब जो बाद में फ्री हुए ना टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो गए हैं, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के साथ अपना अपना होल भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। ऐसे ये जो बाद में बने ना, ये टेम्परेचर की वजह से बने, यहां से यहां तक जो पहले से थे वो डोपिंग की वजह से थे। तो अब इस मटेरियल को चेक करें आप, मुझे बताएं इसमें कौन सी चीज एक्स्ट्रा है। इसमें है होल्स मेजोरिटी में है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है। तो होल्स मेजोरिटी, होल्स एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे चार्ज होता नहीं है, याद रखें, ये जस्ट खाली जगह होती है, लेकिन इसका बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और आगे इसकी डेफिनेशन है, ये सारा उसी तरह लिखा हुआ है। और इसमें थर्ड ग्रुप से या ट्राइवेलेंट से ऐड करेंगे आप, एल्यूमिनियम की जगह बोरॉन भी ऐड कर सकते हैं, या गैलियम भी ऐड कर सकते हैं, इंडियम भी ऐड कर सकते हैं, इनके नाम एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। तो बस बाकी सारी वही बात लिखी हुई है जो उसमें थी, कि चार कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, तीन कोवेलेंट तीन कंप्लीट बनेंगे, लेकिन चौथे में एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा, ठीक है, वन मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट बॉन्ड विद द फोर्थ नेबरिंग एटम सिलिकॉन, ठीक है। और जो मिसिंग होगा उसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकता है, तो ऐसी वैकेंसी को हम होल कहते हैं, और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्योंकि ट्राईवेलेंट वैकेंसी क्रिएट कर रहा है हर एटम, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट किया जा सकता है, इसलिए ट्राईवेलेंट को हम कहेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। पिछले में हमने डोनर कहा था, इसको हम कहेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। डोनर इलेक्ट्रॉन को, डोनर इम्प्योरिटी जो पेंटावेलेंट होती है, वो उसमें एबिलिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की, और एक्सेप्टर में एबिलिटी होती है होल क्रिएट करने की, और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है।